नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। कोरोना से मृत लोगों के शव को गड्ढे में फेंकने के वीडियो पर कर्नाटक में बवाल। भारत के बाद यूएस ने चीन को दिया झटका, हुवाई ZTE को सुरक्षा के लिए बताया खतरा। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि चीन के लिए मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ईरान के तेहरान में गैस रिसाव के कारण हुए विस्फोटक में 19 लोगों की मौत। एक्सपर्ट ने कहा कि चीन में अभी पहली लहर, इंसान के लंबे वक्त तक संग रहेगा कोरोना। कोरोना ट्रैकर आरोग्य सेतु ऐप में आई गड़बड़ी, काफी देर तक परेशान रहे यूजर। कांग्रेस की मांग, 5G ट्रायल रेस से बाहर हो चीनी कंपनी हुवाई ZTE। जम्मू कश्मीर के सोपोर में CRPF पार्टी पर आतंकी हमला, हेड कांस्टेबल शहीद, 3 जवान जख्मी। अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर्स डे पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर्स को मेरा सलाम। अनलॉक 2 में पंजाब में किराना शॉप और मॉल रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव का कोरोना से निधन। कोरोना वायरस के खिलाफ यूपी सरकार कराएगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग। हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में आज फिर से खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स। सर गंगाराम अस्पताल के OPD की सेवाएं आज फिर से होंगी शुरू। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत। महाराष्ट्र में कृषि सप्ताह का आज से शुरुआत। गोवा में BJP का एक विधायक कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6। बेटी ईरा के लाइव वर्कआउट सेशन के बीच आए आमिर, ट्रेनर से की मजेदार बातें। शेखर सुमन ने कहा कि नेपोटिज्म नहीं गैंगजिंग सुशांत की मौत का जिम्मेदार। लॉकडाउन से परेशान विक्की कौशल ने कहा कि आखिर ये खत्म क्यों नहीं होता। शादी के बंधन में बंधे दीपिका और अतनु, आशीर्वाद देने पहुंचे CM हेमंत सोरेन। नेस वाडिया ने कहा कि देश पहले पैसा बाद में, IPL में तोड़ो चीन से नाता। एरोन फिंच ने माना कि दबाव के बावजूद भी कोहली की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही लाजवाब। डेविस कप के लिए फिनलैंड के खिलाफ भारत का मुकाबला 2021 तक टला।